अगर आप नया फ्रिज खरीद रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो एक ना एक दिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रिज खरीदने से पहले जो है ये चीज़ों को आपको इंस्टॉल करते समय ये चीज़ों का विशेष ध्यान, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा सैमसंग वर्लपूल का फ्रिज है और हमने इसको ओपन कर दिया, और जैसे हमने एक बार इसको टच किया तो एक बार ये जैसे कि ये तो आपका इलेक्ट्रो चार्ज हो जाता है कभी, ये तो पैकिंग के टाइम पे तो इसमें एक बार जोर का झटका लगेगा, बट उसके बाद भी इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज कर देना है, फिर यूज़ हमें करना होता है। तो जैसे देखा कि आपने, हमने इसको कट करने के बाद इसको टेस्टर के थ्रू जैसे हमने इसको डिस्चार्ज किया तो इसके अंदर एक लाइट्स आपकी जली, और जैसे कि अभी देखेंगे आप ये कुछ इस तरह से। तो अभी जो है हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी आपको ऐसा झटका लग रहा है। कनेक्ट करने के पहले हम लोग एक बार इसको बोर्ड को प्रॉपर चेक करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो होता है जो लोगों को करंट लगता है वो क्या होता है वोल्टेज के अंदर न्यूटन फेस और अर्थिंग प्रॉपर ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें जो है गंवा चुके हैं। तो फर्स्ट हम लोग ब्लैक वाली कॉप को न्यूटन पर रखेंगे और रेड वाली को राइट साइड लाइन पर। तो जैसे आप देख रहे हो इस पर जो हमें वोल्टेज मेज़र हो रही है 238 वोल्टेज मिल रही है, तो जो कि तो परफेक्ट है, बट अभी हम लोग फेस और अर्थिंग के बीच में मेजर करेंगे। इधर क्या होता है, हमें जैसे 238 वोल्टेज मिल रही है तो इधर हमें जो है 230 वोल्टेज या 232 वोल्टेज मिलनी चाहिए, बट नहीं मिली। और फिर हम लोग अर्थिंग टू न्यूटन करेंगे तो इधर भी हमें 16 से 16 वोल्ट समथिंग मिले। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है अर्थिंग नहीं लगी। फिर एक बार आप देख लेना वीडियो की, चूंकि बहुत ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 237 वोल्टेज मिल रही है हमें न्यूटन टू लाइन, और फिर लाइन से जब भी हमने अर्थिंग में किया तो हमें इसमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने अर्थिंग से न्यूटन में पिक किया तो इसमें हमें कुछ 16 वोल्ट हो रहा, तो इसका मतलब जो है इसके अंदर अर्थिंग नहीं लगी हुई है। उसका क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे हमने फ्रिज को कनेक्ट कर दिया और अभी आप देखेंगे कि टेस्टर मोड पे आपको कैसे जोर का झटका लगता है, इसमें कितना ज्यादा करंट आपको दिख रहा है टेस्टर के अंदर, कि इसमें कितना ज़्यादा करंट जो है आपके बॉडी पे आ रहा। अभी क्या है, आपको तो मान लो आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती, बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा अगर कभी लगता है तो हल्का झटका लगता है। अगर आपने स्लीपर पहना तो आप मेज़र नहीं कर पाओगे, बट आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको सावधान रहना पड़े, चूँकि इस लापरवाही से आप जान गंवा सकते हो। आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, बैक साइड आते हैं और फ्रिज को टच करते हैं, तो चूंकि उनकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहती तो उनको जोर का झटका लग जाएगा और आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा एक छोटी सी लापरवाही के लिए। तो आपको जो भी बोर्ड आप लगवाएं तो उसमें मोस्टली आपका अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि अर्थिंग जो होता है आपके सेफ्टी के लिए रहता है। बाकी अभी हम लोग आगे जानेंगे फ्रिज के बारे में, बाकी हमने लगा दिया है, बाकी चीज़ों को कभी भी आप फ्रिज इंस्टॉल कर रहे तो उस टाइम पर आपको मेज़र करके एक्सप्लेन कर ही देना है, कि कभी इन फ्यूचर ऐसी दिक्कत आए तो आप बता सको कि हमने फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया था। क्योंकि 80% जो अर्थिंग आती है, लीकेज दिक्कत होती है, करंट लगता है, वो सिर्फ अर्थिंग लीकेज की वजह से ही लगता है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे के साइड चेक के लिए, बाकी कुछ ऐसे जगह पे मेटल के पॉइंट्स लगे लगे हुए हैं, उसमें ऐसे जोर का आपको बॉडी पे देख रहे हो कैसे एकदम हैवी करंट आपको शो हो रहा है। तो कभी भी आप कुछ रखते समय या कभी टच होगा तो आपको जोर का झटका लगेगा। जैसे कि अभी हमने इसको जितने सारे जहाँ पे पॉइंट्स है जहाँ पे मेजरली करंट आ सकते हैं वहाँ पे हमने एक बार इसको टेस्ट कर लिया और वहाँ पे करंट शो भी हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं इलेक्ट्रीशियन की, आपका अगर राइट में लाइन है, लेफ्ट में न्यूटन है, तो आपको करंट, जब तक आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहेगी तब तक आपको करंट लग सकता है। बट जो इस अभी बात करेंगे आगे फ्रिज का, तो ये तो हो गया। अभी ये फ्रीज़र जो है आपका ऊपर अंदर का जो ये फ्रीज़र का व्यू है, नीचे आपका रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या आपको ओपन करना है, पानी फिल करना है और ऐसे ट्विस्ट करके आइस बैंक को आपको इधर से निकालना है। बाकी ये होता है आपको एयर कंट्रोल, इसको डक्ट भी होती है अंदर जो कि डिम्पर, जिससे आपको फ्री मिनिमम फ्रिज चाहिए नॉर्मल चाहिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बट मेन कंट्रोल जो होता है बाहर होता है, ये लाइट्स के लिए होता है, जो कि इसमें फ्रीजर में लाइट दे रखा। बाकी क्या होता है रेफ्रिजरेटर में होता है, फ्रीजर में नहीं, तो इसमें आपका लाइट इधर दे रखा है। बाकी नीचे का जो होता है ये आपका टोटल रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट होता है, और इसका जो टोटल कंट्रोल रहेगा वो बाहर से रहेगा। जैसे कि आप अच्छी फिनिशिंग है ब्लैक कलर की आपकी, जो मतलब थोड़ा सा है फिनिशिंग, ये आपका डेयरी प्रोडक्ट के लिए है। बाकी दो आपके एडजस्टेबल, थ्री एडजस्टेबल जो है आपकी इसमें, नहीं उसका अलग से रहता है, फूड के लिए, और इधर दोनों एडजस्टेबल आप रख सकते हो। बट इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा फीचर्स ये है कि आपको ऊपर शिफ्ट करने के लिए इस सेल्फ को
आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको एक ही जगह से सेल्फ को एडजस्ट करके अपने आपको जैसे चाहिए जिस लोकेशन पे आपको बेटर लगेगा, जो जिस जगह पे आपको करना, इसको ऐसे करके आप इसको शिफ्ट करके एक 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 करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि सेल्फ को टोटली सेल्फ जो है कस्टमाइज है, टोटली एडजस्टेबल है, जितना आपको जितना ऊपर है जितना नीचे करना है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक को छोटा कर पाओगे एक को बड़ा कर पाओगे, एकदम फिक्स। बाकी अभी हम लोग जानेंगे इसका टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है। आपको इधर से जो है आपका इसमें एक ही है, आपको रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आपको कैसे करना है, आपको 5, 6, 7 जो है आपको रखना होता है, ये आपको ठंडियों में, और ठंडियों के बाद आपको जो भी 4 रहता है तो आपका ये रहता है मानसून के टाइम पे, और आपका 3-1 जो रहता है ये आपका ये रहता है हमारे समर के टाइम पे। और कन्वर्टेबल अभी यूज़ करना है तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका ये पावर सेवर का मोड रहता है, और ये ऑटो सेंस रहता है कि जो आपके वेदर के हिसाब से ऑटो ये सेंस कर लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।